हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? हम लोग नखलऊ जा रहे हैं, तीन लोग, मिर्जा, हम और रियान भाई। और वहाँ जाते हुए बताते हैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से रिकवरी करने जा रहे हैं। किस चीज़ की रिकवरी करने जा रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं। उन्नाव में आपका स्वागत है। अच्छा, यहाँ आला रायबरेली आला लखनऊ की। हाँ, रायबरेली आला कट है ना यहाँ से, रायबरेली के लिए इधर से जाते हैं। ये हो गया उसके उन्नाव के लिए। सामने नखलऊ जा रहे हैं हम लोग। फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए लगा है लंबा जाम, उसी में फंस गए हम नखलऊ जाते हुए। बड़ा लंबा ट्रैफिक है। ये देखो मिर्जा कैसे सो रहा है, पीछे पूरा जाम, और ये देखो फ्लाईओवर बन रहा है, पूरा रास्ता ब्लॉक। इस फ्लाईओवर से बनने से कानपुर का रास्ता हो जाएगा 45 मिनट का, अभी अभी मुझे पता चला है। चलाने वाले पायलट हैं। रास्ता ही नंबर की है, देखो डिस्को करती हुई कार, पूरा लंबा ट्रैफिक। ये अपने कच्चे से उधार दी, नीचे नीचे से फंस गए, गाड़ी टेढ़ी हो गई। काम प्रोसेसिंग पे है, बहुत तेज बन रहा है, 2024 तक लग रहा चालू हो जाएगा जिस हिसाब से काम चल रहा है फ्लाईओवर का। कानपुर से यहाँ आने के लिए 45 मिनट का सफ़र हो जाएगा। आप नखलऊ में मुस्कुराएंगे आके, आप नखलऊ में दुर्राटे काटते हुए। नखलऊ में In 400 meters, turn left at Scooter India Chowraha onto Pipe. मोसी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं हम लोग। नया टर्मिनल बन रहा है वहाँ पे। एयरपोर्ट है इस तरफ चौधरी चरण सिंह, अमौसी एयरपोर्ट इस तरफ है। सामने नखलऊ के लिए भी है रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, और ये मेट्रो है। यहाँ से मेट्रो से एयरपोर्ट जा सकते हैं आप। शहीद पथ के लिए हम लोग घूम चुके हैं, सीधा जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस, ये शहीद पथ के लिए हम लोग रवाना हो गए। हेडक्वार्टर है नखलऊ का, यहाँ पे नखलऊ लिखा पुलिस मुख्यालय। और इस तरफ है आपका मॉल, और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे खाना स्टेडियम। पहुँच चुके हैं नखलऊ में, एंट्री हो ही चुके हैं अंदर। हम जा रहे हैं जहाँ पे लोकेशन है, जहाँ से हम लोगों को गाड़ी रिकवरी करनी है, करके आते हैं नखलऊ हाई कोर्ट। नखलऊ का हाई कोर्ट, नखलऊ में आपका स्वागत है। हम नखलऊ हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, ये हम सामने की तरफ जा ही रहे हैं नखलऊ के अंदर। नखलऊ पहुंच गए हैं, हम मैप में रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ जाना है हमको रिकवरी करने। नखलऊ के अंदर है, मैप में रास्ता ढूंढा, आगे से राइट लेना हमको।
जहाँ अपने को नखलो में पहुँचना था हम लोग पहुँच गए। ये रेस्टोरेंट है सिग्नेचर, दा सिग्नेचर करके, एक मनीष भाई हैं उनका है। ये देखिए अंदर का कितना अच्छा व्यू है उसका, सिग्नेचर। यहाँ सारी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, डीजे लगा हुआ है, ओपन टेरिस्ट है। अच्छा था, आप लोग नखलो जाएँ तो जाके ज़रूर यहाँ पे चिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा डीजे, ये सिस्टम बहुत अच्छा। ग्यारह बज गया भाई लोग, अभी तक अभी नखलऊ में ही हैं हम लोग। अब पार कर रहे हैं नखलऊ, जिस काम से गए थे उसको काम पूरा कर लिया हम लोगों ने और निकल रहे हैं बस कानपुर के लिए वापस। गाड़ी चाबी नहीं रखते, ये रोटी आ गई है, कढ़ाई पनीर दाल निकाल लिया है मैंने सलाद के साथ में, खा लिया टेस्ट होता है। मेरे फेवरेट लच्छा पराठा भी आ गए दाल पनीर के साथ, फ्राई मिर्ची लाओ। बहुत अच्छा खाना था भाई, हम खा लिया एक नंबर का, ख़त्म हो गया सब, इतने खाया। काम से गए थे, गाड़ी बरामद कर ली हम लोग ने, लेके आ रहे हैं गाड़ी लेने गए थे बरामद, इसको लेके अब कानपुर जा रहे हैं हम लोग। इस कार को रिकवरी करके लाए हैं नखलऊ से, और इस वाली कार से हम लोग गए थे, अब वापसी आ रहे हैं। ये अपना A1 ढाबा, यहाँ हम लोग ने खाना खा लिया है, खाना बहुत अच्छा था। खाने के बाद हम निकल रहे हैं घर। ओके बाय। नखलऊ से हम लोग वापस आ रहे थे, पुल के ऊपर देखा धूप धूप के कार जल रही थी, फोन नहीं लग पा रहा था, बहुत ही भीषण तरह से उसमें आग लग गई थी। कानपुर से नखलऊ जाने वाले पुल के ऊपर आग लगी हुई थी कार में, पूरी जल के खाक हो गई कार। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी हो गई डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हुए हैं अभी। डॉक्टर साहब हाँ कर दीजिए आप, हमारा ब्लॉग यहीं पर समाप्त हो रहा है। और ये वाली गाड़ी अब रिकवरी करके लाए थे हम लोग, इसको रिकवरी कर लिए, अब हम जा रहे हैं घर। ओके बाय, गुड नाइट। डॉक्टर साहब गाड़ी चेक कर रहे हैं। ओके बाय डॉक्टर साहब।